राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में इंडियन फूड लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, जो मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई है तो मेरे को दान करना था, तो आज वो दिन आ ही गया है। तो आज हमारे पास में जो मंदिर है वहाँ पर भागवत हो रही है, तो मुझे उसी मंदिर में माता रानी को साड़ी मतलब पूरा श्रृंगार दान करना है और लड्डू बाबू को ड्रेस भी देनी है। तो वहाँ पे भागवत हो रही है, तो इससे अच्छा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। और मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी भी भागवत चल रही थी, उसी टाइम पे ही किया था, थोड़ा सा आगे पीछे बस। तो मैंने सोचा चलो अभी ही दे देती हूँ। और आज रुक्मिणी जी की शादी भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड्डू बाबू की ड्रेस है, जो मंदिर में लड्डू बाबू हैं उनके लिए, और पगड़ी। तो यहाँ पे ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने साड़ी भी ली है, तो मैं आपको साड़ी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेहरून कलर की साड़ी ली हुई है और ये ब्लाउज़ है पूरा, आप देख सकते हो पूरा दिख रहा होगा आपको। तो बहुत प्यारी साड़ी है, मैं मतलब साड़ी बहुत अच्छी लेके आई हूँ, क्योंकि माता रानी को मतलब मेरा मन था मतलब श्रृंगार पहनाने का। मैंने बोल रखा था कि जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी तो मैं आपको मतलब श्रृंगार पहनाऊँगी, मतलब साड़ी पहनाऊँगी। तो जब उन्होंने दिया है तो क्यों ना हमें करना चाहिए। और मैंने कहा पहले माता रानी के लिए लड्डू बाबू के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा श्रृंगार भी लिया है और यहाँ पे मैंने जो बूंदी होती है ना वो बूंदी लिया है मैंने यहाँ पे 2 किलो। तो जैसे कि भागवत है तो प्रसाद में वहाँ पे लग जाएगी, सबको बट जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 2 किलो ही लिए है। और यहाँ पे ये ड्रेस काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल है, तो ये बड़े लड्डू गोपाल के लिए है। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैंने उनके लड्डू बाबू के लिए भी ली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक मेरे लड्डू बाबू हैं मेरी फ्रेंड के, उनके लिए हैं, तो उनके बड़े ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट ड्रेस है। और यहाँ पे ये बड़े ड्रेस है एक, और ये दोनों ड्रेस मतलब एक साइज लड्डू बाबू के नंबर के हैं, मतलब बड़े हैं लड्डू बाबू। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी अलग अलग करके ली हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास में बेल आइकन का बटन है तो ज़रूर प्रेस करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों मैंने एक जैसी ली हुई हैं, तो ये मेरी सिस्टर के लड्डू बाबू हैं और लाडो रानी हैं, जो कि हम वृंदावन गए थे, आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, तो उनके लिए है ये। और यहाँ पे ये हमारे लड्डू बाबू की ड्रेस और लाडो रानी की, तो मैं साथ साथ अपने लड्डू बाबू के लिए भी लेके आई हूँ। तो बहुत अच्छी ड्रेस है। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जब अपनी पेमेंट आती है और जब हम कुछ भगवान के लिए करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ साथ साथ मैं इनर भी लेके आई हूँ लाडो रानी के लिए, लड्डू बाबू के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने मतलब शॉपिंग की हुई। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो और पहले ही डालना था, लेकिन वो ये ना मैं थोड़ा एडिट नहीं कर पा रही थी ना, इस चक्कर में लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो तो बना के ही रखा हुआ था, और अभी मैंने ये सारा सामान मतलब रख लिया, सबको दे दूँगी। तो अभी हम मतलब तैयार हो जाते हैं और लड्डू बाबू को भी तैयार कर देते हैं और हम चलेंगे भागवत में, क्योंकि मेरी जो मतलब भाभी हैं पास की वो भी आने वाली हैं, तो हम सारे साथ में ही जाते हैं मतलब भागवत सुनने के लिए, और मुझे तैयार भी होना है। तो मिलते हैं हम सीधा वहीं पे आपको। भागवत में कहाँ जा रहे? भागवत में। चलो, मेरे लड्डू की तली नहीं। लो अपने लड्डू की, तुम्हारे लड्डू टोकरी में तो क्या करे भाई। चलो मंदिर में ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, मेरी चुन्नी पकड़ ले तनु। ये भगवान बड़ी मतलब लड्डू बाबू है ना साथ में, इस वजह से मजा आया था ना। Oh,
नरकासुर तो वो नहीं मानता, सब मान गए। अब राजसू यज्ञ में तो सबको हराना पड़ता है ना, घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा को जो पकड़ लेगा फिर। फ्रेंड्स यहाँ पे लड्डू बाबू ने ड्रेस पहन ली है और आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनको पगड़ी नहीं आई तो पगड़ी मैं चेंज करके उनके लिए बड़ी लेके आऊँगी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जब हम भागवत में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और मन बहुत खुश हो जाता है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। और जब पिछली बार यहाँ पे मतलब 2 साल पहले भागवत हुई थी तो मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, तो अब जाके मुझे पेमेंट मेरे पास आई है। तो फ्रेंड्स पहले जब भागवत हुई थी ना, जब मैंने मतलब चैनल नया नया स्टार्ट किया था, तो पता है हमें कैसा लगता था कि मतलब किसी के हाथ में फ़ोन दिखता था ना तो ऐसे लगता था कि अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लें इनसे, बोल दे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शुरू शुरू में बड़ी वो होती है ना कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो मैं अपना बता रही हूँ, मतलब ऐसे मुझे लगता था, पता नहीं आप सबको कुछ जो जिसका भी चैनल है उनको ऐसा लगता था कि नहीं बताना मुझे। फ्रेंड्स अभी तो हमारे 4000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो आप और हमें ना यूट्यूब किस चीज़ का पैसा देता है, जो हमारी वीडियो पे ऐड आती है ऐड का पैसा मिलता है हमें फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारी जब भी आप वीडियो देखते होगे और वीडियो पे ऐड आती है तो उसी का ही हमें यूट्यूब पैसा देता है, तो आप हमारे ऐड को स्किप मत करिएगा ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो ये हमारे जो भाभी देख रहे हैं पास में ही रहते हैं, और ये है तन्नु, ये भी बहुत क्यूट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग भागवत सुनने आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भागवत सुनना। और फिर होगी तो फिर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होती रहती है इस वाले मंदिर में, हमारे पास में ये मंदिर। फ्रेंड्स हमें हर मंथली यूट्यूब से पेमेंट आती है, तो जैसे कि कभी कम आती है किसी मंथ में, किसी मंथ में ज़्यादा आती है, तो ये व्यूज़ के ऊपर होता है। तो व्यूज़ आपके अच्छे आते हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है, और कम आते हैं तो कम पेमेंट मिलती है। तो पेमेंट मिलती ज़रूर है यूट्यूब से। तलवार वाले होते तो वो तलवार वाले से लड़ते थे, जिनके पास भाला होता भाले लड़ने का, जिसके साथ जो अस्त्र है जैसे जो सेना है उसके साथ में वैसे वो लड़ते थे। ऐसे नहीं हर किसी से जाके भिड़ जाओ। निरासन ने बोला हमारा भी कोई सम्मान है, हमारी भी वैल्यू है, अब राजा है यहाँ के, अब चलते फिरता आदमी कोई हमसे बोले महाराज लड़ो तो ऐसे, तो हम तो पागल हैं कि लड़ते लड़ते, अपना परिचय तो कौन हो तुम पहले। अब जब भगवान निरासन ने कहा तो बोलने लगे भैया हमारा नाम, वो जो हमारे बगल में खड़े ये पांडु पुत्र भीम, और इधर खड़े हैं ये इनके छोटे भाई अर्जुन। और बोले हमें तो तुम जानती हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं पहचाना नहीं अभी मैंने आपको, लगता है देखा कहीं, लेकिन अपना पूरा परिचय दो। बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरा सुन दो राधे राधे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।